Hello and welcome to all of you present here. Children, you already know that I have been discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe and we have just uh, reached up to the last portion of this chapter. And today we will be covering the three major topics. First of all, we will discuss about the unification of Germany, Italy and Great Britain. Then we will see the visualization of the nation and lastly we will discuss about the nationalism and imperialism. So let us begin. As you already know, in this chapter, we are discussing about the uh, formation of nation states. But prior to formation of nation state, there was need of uh, concept of a nation and the feeling of uh, nationalism toward this nation. And you already know that in Europe there used to be multinational dynastic empire. And out of this multinational dynastic empire, uh, nation state needed to be formed and for this. Uh, the journey had started to uh, begun from the French Revolution. Now here we will discuss about the unification of Germany. So you already know that there was no name, uh, nation state like germany prior to 1871 तो अठारह सौ इकहत्तर से पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 नाइन स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था जिसमें जर्मन स्पीकिंग रीजन्स मतलब जर्मन स्पीकिंग लोग उस इलाके में रहते थे और उसी इलाके में सबसे मजबूत जो स्टेट था वो था प्रसिया तो प्रसिया के नेतृत्व में ही जर्मन का यूनिफिकेशन पूरा हुआ लेकिन अब यहाँ पर हम एक नई चीज़ देखेंगे कि जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन हो रहा है नेशन स्टेट के के रूप में जो निर्माण हो रहा है वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा नहीं हो रहा है सो व्हेन द टॉपिक बिगिंस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इट इज़ रिटेन इवेन द आर्मी और दी मनार्की में भी दिन वर्किंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ nation स्टेट क्या मतलब आर्मी सेना और uh, राजतंत्र भी नेशन स्टेट का निर्माण कर सकता है क्योंकि आप तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि नेशन स्टेट के निर्माण में लिबरल नेशनलिस्ट का योगदान रहता था वो मनार्की के अगेंस्ट में रहते थे और मोनार्की फॉर्म गवर्नमेंट्स जो थी वो नेशन स्टेट के निर्माण में बाधक थी क्योंकि मोनार्की फॉर्म गवर्नमेंट में मल्टीनेशनल के लोग रहते थे एक बड़ा सा एम्पायर होता था लेकिन अब आपको यहाँ जर्मनी और इटली के निर्माण में मोनार्की और सेना का ही सहयोग देखने को मिलता है क्योंकि एटीन के बाद मोनार्की लोगों ने ये समझ लिया था कि ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये लोगों के बीच में जो नस्लिस्ट की भावना है क्यों नहीं इसके अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जाए अपना डोमिनेंस अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए मोनार्की को मजबूत करने के लिए यूज किया जाए और इसी क्रम में जर्मनी और इटली में इसका हमें रूप देखने को मिलता है बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू सी हाउ डिड द वर्क ऑफ टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली अकॉम्पलिस्ड सो फर्स्ट एफर्ट फॉर द Unification of uh, 39 states in uh, one German nation state uh, was uh, done during 1848 of liberal nationalist. मोमेंट तो 1848 में आपको मालूम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम की एक घटना हुई थी जिसमें लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग किया था और 831 प्रतिनिधियों को चुना था और वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मतलब फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में जाकर एक पार्लियामेंट का निर्माण किए थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था और राजा को साइन करने के लिए बोला था अप्रसिया के नेतृत्व में लेकिन राजा साहब सेना की मदद से उस मतलब प्रयास को विफल कर दिए थे तो आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन में मेनली पांच पॉइंट्स ध्यान रखने हैं फर्स्ट इन मे 1848, हंड्रेड फोर्टी एट द लिबरल अटेम्प्ट्स टू सेटअप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट वॉज सप्रेस बाई द मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स तो आपका पहला जब भी जर्मनी का यूनिफिकेशन लिखने की बात आएगी तो आपको पहला ये लाइन देना होगा कि जर्मनी यूनिफिकेशन का पहला प्रयास डिमोलिस्ड बाई हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड जंगर्स बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को जंगर्स कहते थे जर्मन नेशनल असेंबली पर्सियन चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क टेक्स द लीड इन द जर्मन यूनिफिकेशन तो अब जब 1848 में पहला प्रयास 39 नाइन स्टेट्स से, को मिलाकर के एक जर्मन नेशन स्टेट बनाने का जो किया गया था उसके विफल होने के बाद प्रशिया के जो सेनापति थे ऑटोमन बिस्मार्क और वहाँ की मोनार्की ने ये मतलब अपने हाथों में ले लिया जर्मन यूनिफिकेशन का मतलब जिम्मा सो आफ्टर द फेलर ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली पर्सियन चीफ ऑटोमन बिस्मार्क टेक द लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन तो जर्मन यूनिफिकेशन में Uh, मतलब जर्मनी के जो प्रसिया के जो मंत्री थे ऑटोमन बिस्मार्क उन्होंने नेतृत्व किया ही प्लान द यूनिफिकेशन हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी तो ऑटोमन बिस्मार्क जो थे जो प्रसिया के मतलब सेनापति थे उन्होंने सेना और नौकरशाही का सहयोग लेकर के जर्मनी का यूनिफिकेशन का कार्य पूरा किया ही कंडक्टेड

नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली अब इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ लाइक जर्मनी इटली वॉज ऑल्सो स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट डायनेस्टिक स्टेट्स तो इटली भी जर्मनी की तरह बहुवंशीय राज्यों में बटा हुआ था ओनली सार्डिया पिडमोन्ट वॉज रूल्ड बाई द इटालियन प्रिंसली स्टेट इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स तो इटली जो था सात राज्यों में बटा हुआ था और केवल एक स्टेट में सार्डिया पिडमोंट में इटली मतलब राजघराने का इटली भाषी राजघराने का वहाँ शासन था वैसे सात राज्यों में इटली टुकड़ों में बटा हुआ था और इसका नॉर्थ साइड का जो इलाका था उस पर हैक्सबर्ग एम्पायर ऑफ आस्ट्रिया का शासन था साउथ जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन का शासन था और सेंटर में पोप ऑफ रोम का शासन था तो इटली को नॉर्थ साउथ और सेंटर तीन भागों में तीन तरह के शासनाध्यक्ष थे नॉर्थ में पर एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया का शासन चलता था साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन का शासन चलता था और सेंटर में रोम पोप ऑफ रोम का शासन चलता था इटली वॉज इनटू इन स्टेट्स। से फर्स्ट एफर्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली यू नो जैसे बट इट कुट गेट सक्सेस रोल ऑफ जैसे

बट आफ्टर फेलिंग फिल्ड अपराइज एन थर्टी एट दार्पॉन्सिबिलिटी लेकिन अठारह सौ इकतीस और अठारह सौ अड़तालीस में वहां क्रांतियां हुईन के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा रिवोल्यूशनरियों के द्वारा जिसमें गजपे मजनी भी थे दो क्रांतिकारी संगठन भी बनाए थे लेकिन वो फेल हो गया तब सार्डिया सारिटमेंट जो था अपने ऊपर इटली की सार्डिया पीडमोंट के राजा ने इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली द किंग ऑफ सार्डिया पीडमोंट विक्टर इमैनुअल 2 वाज एक्टिवली हेल्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर कावूर तो इटली के यूनिफिकेशन का काम सार्डिया पीडमोंट के राजा जो थे विक्टर इमैनुअल 2 और उनके मंत्री कावूर के सहयोग से हुआ वर काट नॉट ए रिश्नरी बट मेट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो जो कांवर थे वह कोई रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे वो डेमोक्रेट भी नहीं थे वो एक uh, मतलब एस्ट्रोक्रेसी uh, सोसाइटी के थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और एजुकेट सोसाइटी के थे लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि मोनारकी नेशनलिज्म की भावना को अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए यूज करने लगी और नेशन स्टेट के निर्माण में आर्मी और मोनार्की का यूज होने लगा जो कि जर्मनी और इटली में मिलता है हमें पहले नेशन स्टेट के निर्माण के लिए, लिए लिबरल नेशनलिस्ट लोग होते थे जो लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते थे लेकिन जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में आर्मी और न, मतलब मोनार्की का सहयोग रहा तो बिस्मार्क का सहयोग रहा जर्मनी के यूनिफिकेशन में और यहां देखते हैं सार्डिया पिटमोन के राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड एंड वहां के मंत्री काबूर के द्वारा बींग एन इन्फ्लुएंस मेंबर ऑफ एजुकेटेड इटली स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन तो इटली से ज्यादा वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे बढ़िया कहने का मतलब ये सब बातें यहाँ इसलिए लिखी हुई है कि वो नेशनलिज्म की उनकी भावना नहीं थी कि इटली को एक नेशन बनाना है नेशन के प्रति उन्हें प्यार है वो अपने मोनार्कियल इंटरेस्ट को मतलब

उसकी सहायता से उन्होंने फोर्सेस को 1859 में हराया। लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप जिसपे गारीवल मार्च इन टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टूर इन 1860 विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंड इन ड्राइविंग आउट द स्पेनिश किंग तो जिसपे गारवल्डी थे उनके पास अपनी एक मतलब स्वयं की सेना थी वॉलंटियर सेना थी तो इसी जिसपे गारवल्डी के मतलब वॉलंटियर आर्मी के हेल्प लेकर के जो रेगुलर आर्मी थी वो साउथ इटली में 1860 के दौरान मतलब इन्वेट की वहाँ मार्च की और वहाँ पर लोकल पिजेंट्स का भी सहायता उनको हेल्प मिला और इसकी सहायता से साउथ इटली से उन्होंने स्पेनिश किंग को हटा दिया इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली तो 1861 में जाकर के यूनिफाइड इटली का किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड बने द कॉमन पीजेंस ऑफ इटली थॉट इटालिया वॉज द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि इटली में लिटरेसी बहुत कम थी वहाँ के साधारण किसान जो थे वो इटालिया इटली शब्द का नाम इटालिया शब्द का जो नाम सुने तो सोचे कि शायद वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी है कहने का मतलब कि वहाँ की जनता ने इटली के निर्माण में सहयोग नहीं किया वहाँ के जनता के बीच में नेशनलिज्म की भावना नहीं है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरल नेशनलिज्म लोगों ने स्टेट का निर्माण किया लेकिन जर्मनी और इटली में मोनार्की और आर्मी के सहयोग से यूनिफिकेशन हुआ एक स्टेट का निर्माण हुआ नेशन स्टेट का सो इन दिस वे वी सी द रोल ऑफ काबूर एंड गैरिवल्डी फर्स्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्रोसेस स्टार्ट विद द एफर्ट्स बाई जिसप मजीनी बटोल्यूशनरी बाई जिसपे मजनी फेल्ड इन एटीन हंड्रेड थर्टी वन एंड एटीन हंड्रेड फोर्टी eight uh, uprisings, and after the failure of Gusepe efforts, the unification of Italy came under the soldier of Sardia Piedmont King, Emmanuel, uh, Victor Emmanuel II, and his minister Cavour. Cavour was a very... Uh, uh, he was not a democrat and revolutionary uh, he used to aristocrat people and used to speak french very better uh, but uh, he made a tactful alliance with france and succeeded in the uh, defeating austrian forces in 1859 with the help of regular forces and also he found the help of uh, giuseppe garibaldi with his volunteer forces and they marched into the south italy and became able to drive out the uh, Spanish kings from there and in the unification of Italy completed in 1861 and Victor Emmanuel II, II was crowned as the unified Italy emperor of the unified Italy here you see the pictures Garibaldi Emmanuel Victor Emmanuel II Count Cavour and Mazzini सो ऑल दिस फोर्स पर्सनालिटी वेयर इन्वॉल्व इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन चारों का योगदान रहा है ये मजीनी साहब जो थे इन्होंने गुप्त संगठन बनाया था लेकिन इनका तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रयास विफल रहा था और बाद में विक्चर मैनुअल कांट के नेतृत्व में वहां के मंत्री जो कांड कावर थे उन्होंने अपनी कूटनीति चाल से आ, मतलब फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हराया और फिर साउथ इटली और सिसली में जहाँ स्पेनिश राजा का शासन था वहां पर वो रेगुलर ट्रुप्स के साथ साथ गैरिबल्डी के वॉलंटियर ट्रुप्स का भी उन्हें सहयोग मिला और लोकल पीजें का भी सहयोग मिला यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किस प्रकार से हुआ और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज ए स्ट्रेंज केस बुक में लिखा हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज स्ट्रेंज केस ये एक विचित्र इसकी मतलब दास्ता है क्यों क्योंकि बाकी जो नेशन का यूनिफिकेशन हुआ उसमें आर्मी का सहयोग लिया गया और उसमें क्रांतियाँ हुई लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक बहुत स्लो प्रोसेस था यहाँ पर कोई अचानक बहुत बड़ी क्रांति और बहुत बड़ा मतलब आंदोलन नहीं हुआ ये धीरे धीरे हुआ कैसे हुआ the transformation of Great Britain into a nation state was not a sudden process. There was no one British nation before the 18th century. तो Great Britain जो नेशन स्टेट का निर्माण हुआ वो कोई अचानक बहुत बड़ी क्रांति का नतीजा नहीं था या बहुत बड़ी सेना का सहयोग से ये नहीं हुआ जैसे इटली जर्मनी या फ्रांस में एक बहुत बड़ा संघर्ष ही हुआ था क्रांति हुई थी ऐसी कोई यहाँ बात नहीं थी ऐसे 18th सेंचुरी से पहले मतलब

था इलाका उसमें इंग्लिश लोग रहते थे फिर स्कॉटिश इलाका था स्कॉटलैंड था जहाँ स्कॉटलैंड इलाके में स्कॉटिश लोग नस्ल के रहते थे आयरलैंड इलाके में आयरिश नस्ल के लोग होते थे वेल्स इलाके में वेल्स नस्ल के लोग रहते थे तो चार नस्ल वाले लोग चार डिफरेंट इलाकों में रहते थे दीज इतनी ग्रुप्स है पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेडिशन तो इनकी अपनी अपनी राजनीतिक और सामाजिक मतलब परंपराएं थी इनमें विविधता थी इंग्लिश नेशन ग्रीव इन वेल्थ एंड पावर इट बिगैन टू डोमिनेट दस तो धीरे धीरे हम लोग को मालूम है इंग्लैंड का धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को इसने गुलाम बना लिया व्यापारी बनकर इंग्लैंड के लोग जाते थे धीरे धीरे इंग्लैंड का धन संपत्ति में वृद्धि हुई इंग्लैंड धन शक्तिशाली देश बनने लगा धन बढ़ने लगा पावर बढ़ने लगा तो ये अगल बगल के द्वीपों पर अपना ये वर्चस्व कायम करने लगा इन सिक्सटीन द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की तो इंग्लैंड में भी राजतंत्र होता था लेकिन 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के द्वारा वहां के मोनार्की से पावर पार्लियामेंट ने छीन ली पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हंड्रेड सेवन बाई विच इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वी आर यूनिफाइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो सो सोलह सौ अट्ठासी में वहां के इंग्लैंड के मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर छीन ली और पार्लियामेंट ने सत्रह सौ सात में सेवनटीन हंड्रेड सेवन में याद रखना होगा एक एक्ट पास किया जिस मतलब एक्ट ऑफ यूनियन इस एक्ट ऑफ यूनियन के सहारे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला लिया गया और इस दोनों को मिलाकर के नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो स्कॉटलैंड को आप ऊपर में देख रहे हैं नीचे में इंग्लैंड है ये दोनों मिल गया 1707 में मिलकर एक हो गया और इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अभी देखिए वेल्स और आयरलैंड की बारी है द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई इंग्लिश एंड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ स्कॉट्स सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड तो पार्लियामेंट में इंग्लिश लोगों का ही वर्चस्व होता था और पार्लियामेंट में स्कॉटलैंड को लोग भी चुनकर आते थे लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट के सदस्यों की ज्यादा होती थी तो धीरे धीरे स्कॉटिश कल्चर का धीरे धीरे मैंने उसको दबा दिया गया आयरलैंड वॉज इन्हेबिटेड बाई प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक आयरलैंड जो देश था उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों मतलब तरह के संस्कृति वाले लोग रहते थे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक ईसाई धर्म के दो पार्ट हैं तो ये दोनों मैंने पूजा ईसा मसीह को पूजा करने का इनकी अलग अलग पद्धति है इसीलिए प्रोटेस्टेंट इनका चर्च भी अलग होता है कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोगों का देश है तो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों रहते थे लेकिन प्रोटेस्टेंट वहाँ पर कम थे कैथोलिक मेजोरिटी में थे अब यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या चाल चली इंग्लैंड तो प्रोटेस्टेंट कंट्री था और आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे कम थे तो इंग्लैंड ने वहाँ के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किया द इंग्लिश सपोर्टेड द माइनोरिटी आयरलैंड पर मतलब ब्रिटेन जो था इंग्लैंड जो था उसने वहाँ के प्रोटेस्टेंट लोगों का सहयोग करना शुरू किया और वहाँ के कैथोलिक जो मेजोरिटी में थे उनके ऊपर दबाव शुरू किया प्रोटेस्टेंट को हेल्प करके और अंत में 1801 में उसे भी ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया तो अब बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वेयर सबोर्डिनेट टू इंग्लैंड तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड uh, दोनों इंग्लैंड के पार्ट बन गए द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन अब न्यू ब्रिटेन के लिए नया फ्लैग ब्रिटिश फ्लैग जिसे यूनियन जैक कहते हैं द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबोर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन तो ग्रेट ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना उसमें अब इंग्लैंड की ही मतलब ज्यादा वर्चस्व रहा उसने एक नया यूनियन जैक फ्लैग बनाया नस नस नेशनल एंथम गॉड सेव नोबल किंग उसका मना बना इंग्लिश लैंग्वेज को वहां मतलब लागू कर दिया गया और जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड थे उनकी नेशनलिटी धीरे धीरे सब्रेस्ट हो गई उसके पार्ट बन के रह गए सो इन दिस वे वी सी द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द Uh, Germany and uh, Italy, uh, Britain. Uh, first of all, uh, Britain. British Parliament passed uh, an Act of Union in 1707, and uh, Scotland was uh, included in uh, England. It was named as the United Kingdom of Great Britain. And in 1801, the Ireland was also uh, became the part of British Great Britain. And lastly, the British.

एक कल्चरल एंटिटी एक सांस्कृतिक पहचान है आपसे कोई पूछेगा आपका कंट्री का नाम क्या है तो कंट्री या स्टेट ये दो आप सेम कह सकते हैं कंट्री कहिए है या स्टेट कहिए और इसमें चार चीज होना जरूरी है एक जमीन होना चाहिए उसकी अपनी बाउंड्री होना चाहिए उसका पॉपुलेशन होना चाहिए उसका गवर्नमेंट होना चाहिए सॉवरन गवर्नमेंट होना, होना, होना चाहिए तो चार चीज मिलेगी तभी कोई ने कंट्री बनेगा या स्टेट बनेगा और नेशन केवल लोगों के समूह से बन सकता है अब वो समूह का अपना कंट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो ना हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म उसमें बहुत सारे लोगों का अपना कंट्री था नहीं उ, अपना स्टेट था नहीं राजा से संघर्ष कर कर के उन्होंने अपना स्टेट बनाया इसलिए उसका नाम नेशन स्टेट बना तो जो देखिए जब आपको कोई आप अमेरिका में चले जाइए आपको कोई पहचान लेगा देख कर पहचानेगा या तो आपका नस्ल देखकर पहचानेगा कि ये इंडियन है या या आपका आपका लैंग्वेज पहचानेगा पहचानेगा कल्चर तो नेशन क्या है इंडियन है तो इंडियन की पहचान अमेरिकन लोगों को कैसे हुई आप अमेरिका में गए तो या तो आपके नस्ल को देख के या आपके कल्चर को देख के या आपके पोशाक को, को देख के आपके लैंग्वेज को देख के तो अब वहां पर आप अमेरिका में गए तो आप तो वहां के कल्चर से अपने को मिक्सअप नहीं कर पाइएगा लेकिन आप एक ऐसे इलाके में गए जहां केवल इंडियंस रहते हैं तो आप वहीं रहना पसंद कीजिएगा तो क्योंकि आपका उससे जुड़ाव हो जाएगा वहां के उस कॉलोनी में रहने वाले इंडियन से आप कहिएगा कि मैं यही रहूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा है तो वही है नेशन बनता है ग्रुप्स ऑफ पीपल से जिनमें कुछ कॉमन आइडेंटिटी होती है अब चाहे कल्चर के आधार पर हो चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो कोई ना कोई या उनके नस्ल सेम हो इसके आधार पर होता है तो अब नेशन तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कंट्री को देख सकते हैं मैप में हम कंट्री देखते हैं लोकेट करते हैं कंट्री को बाउंड्री दिखाते हैं नेशन जो है वो किसी इलाके में रहने वाले लोगों का समूह है लेकिन वो लोगों का समूह होमोजेनस होता है वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं वो सभी लोग एक दूसरे की मतलब कनेक्टेड होते हैं कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर हाँ उस अगर उनका अपना कंट्री नहीं है तो फिर वो कंट्री या स्टेट के लिए प्रयास करेंगे तो तो फिर वो नेशन स्टेट का निर्माण करें अगर आज के डेट में बहुत सारे नेशन स्टेट्स हैं तो अब वहाँ पर जो उनको लव एंड डिवोशन है नेशन के प्रति तो उससे आगे अब उसका बेटरमेंट की बात सोचेंगे तो कि अब हमारा मतलब जैसे अब जर्मनी है अब ग्रेट ब्रिटेन है तो ये लोग सोचेंगे कि हमारा मतलब हर जगह डेवलपमेंट हो वर्ल्ड में हमारा नाम हो क्योंकि हमारा उस नेशन से जुड़ाव है तो नेशन वाज एन एब्स्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट आइडिया सो आर्टिस्ट इन एटीन सेंचुरी फाउंड अ वे टू पर्सन ऑफ आई द इफ इट पर्सन तो नेशन को हम लोग सिंबल के सहारे देख सकते हैं इंडियन पीपुल को देखते हैं नेशन जो है अब, अब कहेंगे कि अब कंट्री है तो कंट्री और नेशन सेम नहीं है कंट्री और स्टेट आप कह सकते हैं सेम है उसमें चार चीज होता है जमीन होता है पॉपुलेशन होता है गवर्नमेंट्स होती है सर्वेंट गवर्नमेंट्स होती है लेकिन नेशन जो है उस इलाके में रहने वाले पॉपुलेशन से बनता है और पॉपुलेशन अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर उनमें बाउंड है तो वो नेशन है तो नेशन को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था नेशन को लोग देख नहीं सकते थे तो नेशन को देखने के लिए एटीन और 19 सेंचुरी में आर्टिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला कि इसको व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए इसको आदमी का रूप दे दिया जाए अगर आपके पास कोई राजा की तस्वीर है आपने उस राजा को नहीं देखा है कभी लेकिन तस्वीर दिखा दिया जाए तो समझ जाइए हाँ वो राजा है वो राजा है पहचान जाइएगा अब उसी तरह से अब इंडिया नेशन कहा है अब इंडिया नेशन खोजिए तब इंडिया नेशन आपको इंडिया की भारत माता की तस्वीर दिखा देना इंडिया अब इंडिया का झंडा दिखा दिया जाए तो हाँ इंडिया है अब मान लीजिए तीन खिलाड़ी हैं और वो जीत कर अपने पोडियम पर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड प्राइज लेने आए अब मान लीजिए आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं अब लेकिन उनका फ्लैग उनका लगा है वो अपना झंडा हाथ में थामे तो आप पहचानेगा इसकी ये किस नेशन से है तो नेशन एब एक्सट्रैप्ट जैसे मतलब लिबर्टी फ्रीडम

पर्सोनाफाई किया जाए मानवीकरण किया जाए मान लो कि वो कोई आदमी है अब बच्चों की छोटी छोटी कहानियां होती है तो उसमें पेड़ भी बोलता है उसमें पहाड़ भी बोलता है तो पेड़ और पहाड़ तो निर्जीव चीज है बोलेंगे कैसे लेकिन कहानी में बोलते हैं क्योंकि उनको पर्सोनोफाई किया रहता है उसको एक आदमी मान के चला जाता है तो नेशन को भी एक आदमी का रूप देने के विचार है कि उसको भी एक मानवीकरण कर दिया जाए नेशन वी आर प्रोटेड एज फीमेल फिगर और इसको एक रूप देने की जो प्रथा चली वो फीमेल फिगर के रूप में चली महिला का रूप दिया जाने लगा अब महिला का रूप क्यों दिया जाने लगा अब महिला जो है अब इसलिए दिया गया कि भाई अब नेशन जो है वो नेशन लोगों की पालन पोषण करती है नेशन में जो लोग रहते हैं उस इलाके में वो उनका Uh, identity, जैसे एक बच्चे अपने माँ को पाल पोस कर बड़ा करती और मां से उसका होता है द फीमेल फिगर डिड नॉट स्टैंड अ पार्टिकुलर फीमेल फिगर दिया गया मतलब ना वो, वो, तो वो कोई सचमुच की नारी नहीं होती थी कोई वास्तविक जीवन में नहीं रहती थी द फीमेल फिगर बिकेम द एलोगी ऑफ नेशन तो फीमेल फिगर मैंने रूपक एलोगोरी मतलब रूपक किसी चीज़ को आप किसी खास चीज़ से आप दिखाना शुरू कर दीजिएगा तो उसको रूपक कहते हैं अब जैसे रेड कलर है रेड कलर अब एलोगोरी है क्या चीज़ आप का भाई अब खतरा का संकेत है रुकने का संकेत है स्टॉप का संकेत है कहीं भी रेड देखने से लगता है कि नहीं स्टॉप हो जाना है या रुक जाना है या खतरा है कुछ तो अब एलोगोरी बन गया तो एलोगोरी बनी रूपक तो अब नेशन को महिला फिगर से दिखाने की प्रथा शुरू हो गई और ये महिला कोई रियल लाइफ में नहीं रहती थी एन 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 आइडिया क्रीड वी फ्रीडम लिबर्टी एक्सप्रेस थ्रू पर्सन और ए थिंग एलोगोरी का मतलब क्या होता है किसी चीज को रूप क्यों देना पड़ता है जब वो दिखाई नहीं पड़ेगा तो किसी भी तरह का विचार किसी तरह के विचार को कैसा विचार एब्स्ट्रैक्ट जिसका कोई आकार नहीं है जिसका कोई रूप आपको नहीं है दिमाग में तो उसका एक रूप देने का आकार देने का प्रयास किया जाता है तो तो कोई भी अमूर्त विचार को को जैसे लालच अब लालच अब तो हम देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं है, है। लेकिन इसका कुछ रूप दे सकते हैं कि भाई चलिए ऐसे जीव निकाल देंगे तो इसका लालच रूप हो जाएगा आ, ऐसे हाथ उठा कर रखेंगे तो इसका मतलब शत्रुता हो जाएगा आ, तो अब उसी तरह से फ्रीडम स्वतंत्रता लिबर्टी तो ये सब कुछ अमूर्त विचार है अमूर्त विचार को जब रूप दे दिया जाता है तो वो समझ में ज़्यादा आसानी से आती है तो एब इसी को एलेगोरी कहते हैं कि जब कभी भी एबस्ट्रैक्ट आइडिया ग्रीड एनवी फ्रीडम को एक्सप्रेस किया जाता है किसी पर्सन या थिंग के सहारे उसे एलेगोरी कहते हैं और इंग्लिश लैंग, लैंग्वेज में लिटरेचर में एलोगोरी के दो तो मतलब होते हैं एक मतलब लिटरल मीनिंग होता, होता है एक सिम्बॉलिक होता है तो अब एलोगोरी ऑफ फ्रांस क्या था फ्रांस इज क्रिश्चियन मैरिया मैरियाना का पिक्चर जो था मैरिया का जो मूर्ति थी तस्वीर थी वो फ्रांस का एलोगोरी बन गया उसको कहीं भी देखिए मूर्ति देश है तो अब इसका जो लक्षण था मैरियाना का वो स्वतंत्रता और रिपब्लिक से लिया गया था सी इज सोन वियरिंग होल्डिंग फ्रेंच ट्रीकिलर तो जो ये मतलब मैरियाना का तस्वीर था आप देख लीजिए मैरियानिया के देखिए ये आपका एक उसमें कैप है टोपी है वो पहने हुए रेड कलर का तो वेयरिंग अ रेड फायरजियन कैप एंड अ कोकेड होल्डिंग अ फ्रेंच टीकलर तो यहाँ पर तो उन्होंने नहीं दिखाया गया है एलोगी ऑफ जर्मनी द एलोगी ऑफ जर्मनी इज जर्मिया तो फ्रांस का रूपक थी मैरियाना और जर्मनी का रूपक थी जर्मेनिया सी इज सोन वेयरिंग एन आर्मर होल्डिंग एन अ एम्पेरियल शोड तो वो मतलब वो एक आर देखिए ये अपना शोड लिए हाथ में अपना तलवार ली हुई है और ये अपना कवच पहनी हुई है और ये तीन रंगों का झंडा भी है उनके पास और ये बलूद का मतलब मुकुट भी पहनी हुई है बलूद के पत्तों का जो बहादुरी का प्रतीक है तो ये मतलब सी इज पोर्ट्रेड हैविंग अ लॉन्ग फ्लोइंग रेडिस हेयर वियरिंग ए

राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन नेशन बिकेम इंटेंस एंड नैरो माइंडेड इन द मिड एन सेंचुरी तो नेशनलिज्म आप जानते हैं कि अपने ग्रुप ऑफ पीपुल मैंने अपने नेशन के प्रति जो प्रेम होता है उसी को नेशनलिज्म कहते हैं लेकिन मिड नाइनटीन सेंचुरी अट्ठारह के बाद अट्ठारह आते आते ये अब एक संकीर्ण विचारधारा बन गई अब इसका आ, बहुत ही मतलब रूप जो था बिगड़ गया अब ये माने अब इसका बृहत्तर मीनिंग खत्म हो गया अब ये नैरो माइंडेड मतलब अपने फायदे वाली चीज बन गई मेनी नेशन बिकेम इनटॉलरेट ऑफ ईच अदर एंड कम्पीटेड विद वन अनदर फॉर द कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज तो इसका जो रूप बिगड़ गया वो क्या हो गया अब जो नेशनलिज्म था वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना से बढ़ करके अब उसका रूप हो गया कि भाई मेरा ही राष्ट्र सबसे मजबूत है मेरा ही राष्ट्र सबसे बेस्ट है अब आप दूसरे पहले क्या था कि हर राष्ट्र एक दूसरे के पिछले भाईचारे जैसे फेडरिक्सू के पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सभी राष्ट्र अपने अपने लाइन में पंक्तियों में जा रहे हैं उनके बीच में भाईचारा है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन एक अट्ठारह आते आते यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी ये अब नैरो माइंडेड हो गई अब इसमें लोग अपने नेशन को ही मोस्ट पावरफुल मोस्ट बेटर दूसरे से अच्छा मानने लगे और दूसरे राष्ट्र की अस्तित्व को अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अगर पावर के बल पर दूसरे राष्ट्र को अपने में मिलाने की भी अगर मौका मिले तो उससे भी नहीं चुकते थे तो अब यही जो सोच आ गई राष्ट्रवाद की यही इम्परलिज्म कहलाने लगी इम्परलिज्म इज अ टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ ए रीजन और ए कंट्री बाय अनदर कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल तो इम्परलिज्म साम्राज्यवाद क्या है अब किसी देश के द्वारा अपने शक्ति के बल पर दूसरे मतलब मिलिट्री से के बल पर दूसरे राष्ट्रों पर अपना कब्जा जमा लेना और ये शुरू हुआ 1875 के बाद इसमें क्या होता है अपने राष्ट्र को हम ताकतवर मजबूत और अपने राष्ट्र को ही सबसे डोमिनेंट मानते हैं और दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को नकारते हैं पसंद नहीं करते हैं और शक्ति के बल पर दूसरे राष्ट्र को अपने में मिलाने की भावना भी रखते हैं और शक्ति के मन पर अगर मिला लेते हैं तो इस प्रक्रिया को इम्रलिस्म कहते हैं तो नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ लव डिवोशन टू योर ओन नेशन बट दिस फीलिंग चीज इज फॉर्म इन लेट एटीन मिड नाइनटीन सेंचुरी एंड इट बिकेम अरो माइंडेड इंटरेस्ट टू द पीपुल एंड मैनी नेशंस बिकेम इन टॉलरेंट ऑफ इच इधर हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र को अब नफरत की भाव से देखने लगा एक दूसरे से कंपटीशन में आ गया और दूसरे के टेरिटरी पर कब्जा जमाने की सोचने लगा और जब शक्ति के बल पर कब्जा जमा लेता है तो उसी को इम्पेलिज्म कहते हैं द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकेम इंटेंस इन बालकन रीजन तो ये सबसे पहले ये जो नेशनलिज्म का बिगड़ा हुआ रूप कहाँ देखने को मिला बालकन रीजन में अब ये बालकन रीजन देखिए टर्की से बगल से ये इलाका है यहाँ पर ग्रीस मैसेडोनिया बल्गारिया रोमानिया साइबेरिया अल्बानिया ये सब पूरा बालकन इलाका कहा जाता था तो नेशनलिज्म का जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप था ये बालकन रीजन में देखने को मिला

लेकिन स्लाफ कहे जाते थे तो अब ये धीरे धीरे ये सब स्वतंत्र होने लगे और स्वतंत्र होने लगे और इनके बीच में वनमस्यता भी बढ़ने लगी वन बाई वन यूरोपियन नेशनलिस्ट इन बालकन ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस तो ये सभी जो स्टेट थे छोटे छोटे ये ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हो गए अपने को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया

सुपरमेसी और अपना पावर बढ़ाने के लिए दूसरे पर मतलब अटैक करना या उसको कब्जा करने की भी कोशिश में रहने लगा ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी पावरफुल यूरोपियन नेशन एज इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड जर्मनी कंपीटेड टू गेन कंट्रोल इन द बाल्कन रीजन अब इन बाल्कन रीजन के जो स्टेट्स थे ऑटोमन एम्पायर से चाहे बुल्गारिया हो रोमानिया हो अल्बेनिया हो ग्रीस हो मेसिडोनिया ये तो स्वतंत्र हो गए थे बट द दीपुल ऑफ दिस रीजन वेर ए नॉ बट देर देयर वाज अमरजेंस ऑफ इंटेंस नेशनल नेशनलिज्म इन इन द पीपल ऑफ दिस स्टेट्स एंड देवर लुकिंग फॉर रीडिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस तो वो एक दूसरे का अधिक से अधिक इलाका हड़प करके अपना एक नया पहचान बनाना चाहते थे और इसी समय यूरोप की चार महाशक्तियाँ इंग्लैंड फ्रांस रशिया और जर्मनी भी इस इलाके में अपना कंट्रोल बनाने के लिए आगे बढ़ गई कंपिटिशन फॉर गेनिक प्रोमिनेस इन द रीजन फाइनली लेट टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन नाइनटीन फोर्टीन तो बालकन रीजन में जो छोटे छोटे स्टेट थे ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हो गए उनके बीच में स्टिफ कंपटीशन हो गया अपनी पहचान को रीडिफाइन री करने के लिए अपने इंडिपेंडेंस को रीडिफाइन करने के लिए दूसरे के इलाके को ये लोग कब्जा करने की कोशिश में थे और इसी इलाके में इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी और रसिया का भी इंटरेस्ट इस इलाके में हो गया बाल्कन रीजन में जिसका अंततः परिणाम हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेटर सेवरल एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज विच वी आर कॉलनाइज बाई द यूरोपियन नेशन बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डॉमिनेशन तो अब अब ये जो साम्राज्यवाद की शुरुआत यहां से हो गई थी उसके बाद अब आपको मालूम है कि एशिया और यूरोप के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया गया तो उसमें क्या हुआ इंपरलिज्म हुआ शक्ति के बल पर उनको जीत लिया गया अब रशिया के भी बहुत सारे कॉलोनी हो गए रशिया बोल रहा हूँ जर्मनी के भी कॉलोनी थे इंग्लैंड के भी कॉलोनी थे फ्रांस के भी कॉलोनी थे पुर्तगाल के भी कॉलोनी थे एशिया और अफ्रीका के देश चूंकि सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे तो यूरोपियन नेशन वहां पर अपना इंपरलिज्म किया शक्ति के बल पर उनको कब्जा कर लिया बाद में ये जो कॉलोनाइज हुए थे यहाँ पर बाद में मतलब स्वतंत्रता संघर्ष भी आरंभ हुआ ये इम्परलियन डोमिनेंस को अपोज करने लगे नाइनटीन फोट फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड के बाद एंटी इम्परियन मूवमेंट्स दैट बिगेन इन नेशनलिस्ट इन नेचर एज पीपल वी आर फाइटिंग फॉर टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स तो एशिया और अफ्रीका के देशों में जो यूरोपियन कंट्रीज का इम्परिज्म के बल पर जो डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट में फ्रीडम स्ट्रगल लोगों ने शुरू कर दिया क्योंकि वो अब अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने की चाह रखते थे कंक्लूजन यूरोपियन आइडियल्स ऑफ नेर नो वी रेप्लीकेटेड फॉर पीपल एवरी वीर डेवलप्ड देअर ओन स्पेसिफिक वराइटी ऑफ नेशनलिज्म तो यूरोपियन नेशनलिज्म जो आया एटीन नाइनटीन सेंचुरी में जो यूरोपियन नेशनलिज्म आया उस तरह का नेशनलिज्म वर्ल्ड में दूसरी जगह कहीं नहीं दोहराया गया दूसरी जगह जो नेशनलिज्म हुए उसका रूप थोड़ा दूसरा होता था हर जगह के नेशनलिज्म का अपना रूप थोड़ा दूसरा होता था लोग अपने नेशन से प्रेम करते थे लेकिन उनका अल्टीमेट एंड या तो फ्रीडम था या कुछ था बट द आइडिया द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन टू नेशन इट केम टू बी एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल मर्स लेकिन नेशन स्टेट जो बनाने की बात थी वो मतलब सभी जगह थी सो इन दिस वे वी कम टू नो द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक यू माइट अबाउट दिस चैप्टर ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू